हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव सक्सेस पॉइंट यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, जमीती कि आम पॉलिटी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू डिस्कशन रो पार्ट चलते, तो आगर आम चारिटा पार्ट ऑलरेडी डिस्कशन कर सारी पॉलिटी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। तो आज आम क्लास अगेन इम्पोर्टेंट पॉलिटी किसी एमसीक्यू डिस्कशन करवा, जोटा कि रोज आम पार्ट फाइव। या पूर्व आम चारिटा पार्ट को ऑलरेडी डिस्कशन कर सारी, आम फाइव नंबर पार्ट में किसी इम्पोर्टेंट पॉलिटी एमसीक्यू क्वेश्चन और सहित रिलेटेड इनफॉरमेशन विषय डिस्कशन करके देखा। जो मैंने भी नुआ अच जो मैंने भी प्रीवियस क्लास गुड़ाक अटेंड कर, तो सीएसपी ब्रह्मपुर यूट्यूब ऑनलाइन क्लास को सर्च कर जाओ, आती सब गुड़ाक क्लास अच्छी प्रथम देखि दि। देन आज आम स्टार्ट करवा पार्ट फाइव नंबर पार्ट, जोड़ा कि आम देखा कि इम्पोर्टेंट एमसीक्यू डिस्कशन सीरीज इंडियन पॉलिटी विषय। लेट न करके स्टार्ट करवा आज आम क्लास को, देखा कौन रोज फास्ट क्लास। तो देख लो फास्ट क्वेश्चन आंसर कर, समस्त आंसर करने ट्राए कर कौन रोज फास्ट क्वेश्चन। देख, ए नो कन्फिडेन्स मोशन एगेन्स्ट द यूनियन गवर्नमेंट कैन बी इनिटिएटेड इन ह्विच एमंग द फलोईंग। तो क्वेश्चन कौन कि नो कॉन्फिडेंस मोशन, तो पार्लियामेंट रे वेरियस मोशन था भितर गोटे मोशन हूँ नो कॉन्फिडेंस मोशन, जोड़ा आम ओडिया रे कौन कौन ना अनास्था प्रस्ताव। ठीक अच्छे, गवर्नमेंट पाखे मेजोरीटी अच्छे ना ना प्रूव करवाई जिते बड़े विरोधी मैंने कौन आणती ना गोटे मोशन आणती, देन से मोशन को आम कौन कौन नो कॉन्फिडेंस मोशन कौन। जदि गवर्नमेंट प्रूव करदेला कि मेजोरीटी अच्छी तो सी कॉन्फिडेंस होगा, जदि गवर्नमेंट प्रूव न कर पारा कि गवर्नमेंट चलने मेजोरीटी ना, देन से कंडीशन में से नो कॉन्फिडेंस मोशन हम आउ नो कॉन्फिडेंस मोशन जब पास हो देन गवर्नमेंट कौन हो डिजॉल्व हो। ठीक अच्छे, तो क्वेश्चन कौन कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जिते बड़े आना हम क्या विरुद्ध ना यूनियन गवर्नमेंट केंद्र सरकार विरुद्ध देन से क्या पाखे इनिटिएट कराब, मैंने प्रथम क्या पाखे अणा हम नो कॉन्फिडेंस मोशनटा। तो ऑप्शन देख कौन अच्छी, ऑप्शन ए कौन कि ओनली लोकसभा, ऑप्शन ए कौन ओनली लोकसभा, ऑप्शन बी कौन ओनली राज्यसभा, ऑप्शन सी कौन एदर लोकसभा और राज्यसभा, ऑप्शन डी कौन ओनली लोकसभा विथ प्रियर कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। तो किए कौन प्रथम ये लोकसभा आसी पार केवल ना केवल राज्यसभा आसपार ना लोकसभा भी आसपार राज्यसभा भी आसपार एदर हाउस आसपार ना, ऑप्शन डी कौन केवल लोकसभा आसो कि पूर्व कौन करवाक पड़ो ना प्रेसिडेंट कंसेंट ने पड़ो। ठीक अच्छे, तो आंसर कर ये कौन हम नो कॉन्फिडेंस मोशनटा प्रथम कौ हाउस आसो केन्द्र सरकार विरुद्ध में मेजोरीटी प्रूव करवाई जिते बड़े कौन दिजिव ना नो कॉन्फिडेंस मोशन आसो दे नो कॉन्फिडेंस मोशनटा पार्लियामेंटर को हाउस रे इंट्रोड्यूस हम। तो जो मैंने भी ये आंसर कर जो मैंने भी ये आंसर ऑप्शन नंबर ए देन समस्त आंसर ठीक अच्छे। ठीक अच्छे, तो प्रथम कौटे आसो ना लोकसभा आसो कौटे आसो ना ओनली लोकसभा ही आसो, कहीं लोकसभा आसो देख आम देखा ये नेक्स्ट स्लाइड रे। तो करेक्ट आंसर आमको कौन मिलला ना करेक्ट आंसर आमको मिलगला ओनली लोकसभा। ठीक अच्छे, ओनली लोकसभा मिलला। तो देखो नोट्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू लोकसभा एंड इट रिमेन्स इन ऑफिस टिल इट्स एंजॉय कॉन्फिडेंस ऑफ मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स इन लोकसभा। तो कौन कहला तो आंसर तो आमको मिलला लोकसभा, कहीं लोकसभा ना जो पार्लियामेंटर दुईटा हाउस अच्छे गोटे हूँ लोकसभा गोटे हूँ राज्यसभा, तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे आम जानते इंडिया में कौन ना गवर्नमेंट चलने कौन रोचना ना जन प्राइम मिनिस्टर रोचे अंडर में कौन था ना गोटे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स था जो थी डिफरेंट टाइप ऑफ मिनिस्टर्स थाउँ जमी कैबिनेट मिनिस्टर होगले स्टेट मिनिस्टर होगले डेपुटी मिनिस्टर्स होगले स्टेट मिनिस्टर इन इंडिपेंडेंट चार्ज होगले। तो ये सब मिनिस्टर मैंने रोहे कौ भितर रोहे ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भितर रोहे आउ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेड किए रोहे ना प्राइम मिनिस्टर रोहे। तो ये कौन कौन नोट्रे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आ प्राइम मिनिस्टर एम समस्ते कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल क्या पाखे ना लोकसभा पाखे का पाखे ना लोकसभा पाखे से उत्तरदायी से पर्यटन निज मानने पावर रहीपर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मिनिस्टर मैंने एमती कि प्राइम मिनिस्टर एज ए हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पर्यटन निज पोस्ट रहीपर जो पर्यटन लोकसभा से कौन अच्छा ना कन्फिडेन्स अच्छा मैंने लोकसभा पाखे मेजोरीटी जो पर्यटन अच्छी देन से पर्यटन से पोस्ट निज ऑफिस रहीपर कि जितेबाद लोकसभा से निजर कन्फिडेन्स हरईदे देन से कंडीशन रे कौन हो ना से निज ऑफिस कौन हो ना बाहर जी। तो यही कंडीशन रे जेहेतु काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर बोथ आर रेस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, तो से ही कंडीशन रे जिते नो कॉन्फिडेंस मोशन आसो तो नो कॉन्फिडेंस मोशन प्रथम कौटे आसो ना लोकसभा आसो। क्लियर कि समस्त
आशा करें समस्त क्लीयर थी क्वेश्चन नंबर वन रही लोकसभा प्रथम कन्फिडेन्स मोशन को आणुंट देन तार कौन रिजन रहा समस्त क्लीयर हो जो मैंने भी दौर ऑप्शन नंबर ए तो समस्त आंसर कौन अच्छी करेक्ट अच्छी नेक्स्ट जी आम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो क्वेश्चन नंबर टू आंसर कौन अच्छे क्वेश्चन देख हू एमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरपर्सन ऑफ द प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू सरदार वल्लभ भाई पटेल डॉक्टर बी आर आंबेडकर जे बी कृपालिनी तो आंसर कर क्वेश्चन कौन कौन कि क्वेश्चन कौन कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी आम जानते कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी जार कि काम कौन थी ना कॉन्स्टिट्यूशन को तैयारी कर 1946 रे यार कौन कराई फाउंड कराई कैबिनेट मिशन प्लान रेकमेंडेशन 1946 रे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तैयारी कराई जी कि आम कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन को तैयारी कला तो ताकि डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स ऑफ कौन थे ना बहुत गुड़े कमिटी थे तो ताकि गोटे कमिटी थी जोटा को आम कौन प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी ठीक अच्छे तो यही प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटर चेयरपर्सन किए थे फॉलोइंग चारिजण भितर प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी जोड़ा कि गोटे कमिटी थी कार ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो तार चेयरपर्सन किए थे तो आंसर कौन हम कह जवाहरलाल नेहरू सरदार पटेल हम बी आर आंबेडकर ना जे बी कृपालिनी हम आंसर कर तो ये जो मैंने भी आंसर दौरान ऑप्शन नंबर बी देन समस्त आंसर कौन अच्छी करेक्ट अच्छे ठीक अच्छे तो जो डिफरेंट टाइप ऑफ कमिटी थी कौटी ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली देन ताभर कौन थी ना गोटे यूनियन पावर कमिटी आ गोटे कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी ठीक अच्छे ए दुटा कमिटर किए थे ना जवाहरलाल नेहरू थे सरदार पटेल कोर्टर थे ना प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी कोर्टर थे ना प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटर थे ठीक अच्छे जदि आम देखा बी आर आंबेडकर आम जानते ये फेमस कौ कमिटी ना ये होती ड्राफ्टिंग कमिटी कौ कमिटी ड्राफ्टिंग कमिटी जे बी कृपालिनी फेमस कौ कमिटी ना कौ कमिटर चेयरमैन चेयरपर्सन थे सी ना सी थे फ्लाग कमिटर ठीक अच्छे तो फ्लाग कमिटी जी आसे तो जे बी कृपालिनी ड्राफ्टिंग कमिटी जी आसे तो बी आर आंबेडकर प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी जी आसे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनियन पावर कमिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी जी आसे तो जवाहरलाल नेहरू ठीक अच्छे मन रही समस्त जमीती भी आंसर आसो आम यार आंसर कर तो देखा नेक्स्ट स्लाइड कौन रोच तो देख नेक्स्ट स्लाइड कौन कौन करेक्ट आंसर कहला ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपॉइंटेड ए नंबर ऑफ कमिटीज टू डील विथ डिफरेंट टास्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन रो डिफरेंट टास्क को कंप्लीट करने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रे डिफरेंट डिफरेंट कौन कराई ना कमिटीज कराई देन सरदार वल्लभ भाई पटेल वाज द चेयरपर्सन ऑफ द प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी और ता भीतर गोटे कमिटी थी जोटा को आम प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी कौन आई प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटर चेयरपर्सन किए थे ना सरदार वल्लभ भाई पटेल थे किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल क्लियर कि जो मैंने भी आंसर दौर ऑप्शन बी देन समस्त आंसर कौन अच्छी करेक्ट अच्छे वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन देख क्वेश्चन नंबर थ्री देख क्वेश्चन नंबर थ्री कौन हु एमंग द फॉलोइंग इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्मड फोर्सेस इंडिया जो आर्मड फोर्सेस अच्छा सुरक्षा बल जो अच्छी इंडिया जमीक आम एयरफोर्स होगा नेवाल होगा ठीक अच्छे आर्मी होगा तो ये जो थ्री टाइप ऑफ आर्मड फोर्सेस इंडिया को प्रोटेक्ट करने अच्छा तो यार सुप्रीम कमांडर किए क्वेश्चन कौन कि या भितर सुप्रीम कमांडर किए इंडियन आर्मड फोर्सेस माने एयरफोर्स देन आम आर्मी नेवी ये तीन टा जगार सुप्रीम कमांडर किए ऑप्शन अच्छे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया तो आंसर कर वेरी इजी क्वेश्चन समस्त करेक्ट आंसर आसो यहाँ ठीक अच्छे तो लेट न करके आंसर मुझे तो आंसर कौन हम ना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आम समस्त जानते प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होती कौन ना इंडिया रो फर्स्ट सिटीजन ठीक अच्छे देन ता सहित तो इंडिया रो गवर्नमेंट रो एग्जीक्यूटिव हेड देन इंडिया रे कौन कहुए ना सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्मड फोर्सेस कहुए कहीं ये इंडिया जहाँ भी किसी वॉर हम कि जहाँ भी किसी कौन गोटे कंट्री सहित जहाँ भी किसी ट्रेटी कौन हम साइन हम देन का ना हम ना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ना कौन वॉर जब डिक्लेयर हुए तो कि आम कंट्री जब सरेंडर करे तो सही जब कौन प्रकार ट्रेटी को साइन करने को पड़े देन से कंडीशन रे का ना हम से ना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ना हम कहीं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होती कौन ना एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द गवर्नमेंट तो से कंडीशन रे इंडिया रो आर्मड फोर्सेस रो सुप्रीम कमांडर होती किए ना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मैंने किए बर्तमान आम अच्छा ना रामनाथ कोविंद रामनाथ कोविंद क्लीयर वाइस प्रेसिडेंट बर्तमान आम किए अच्छा जी कि सेकेंड सिटीजन आम ये होती वाइस प्रेसिडेंट बर्तमान आम किए ना एम भेंकैया नायडू प्राइम मिनिस्टर आम समय जानते किए नरेन्द्र दामोदर दास मोदी डिफेन्स मिनिस्टर आम किए अच्छा ना राजनाथ सिंह
मन रख डिफेंस मिनिस्टर अच्छा किए राजनाथ सिंह तो कहींपर कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह लोकसभा एज एमपी अच्छा तो कौ कन्स्टिट्युएन्सी रु बिलंगस कौ स्टेट्र बिलंगस कर डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह कमेंट करके कह देखा यार कौन रोच देख करेक्ट आंसर कहले कौन ना प्रेसीडेंट ऑफ इंडिया देन जदि आम देखा आर एक्सप्लेन तो कौन इंडिया प्रेसीडेंट इज हेड ऑफ द इंडियन स्टेट तो इंडिया प्रेसीडेंट होती इंडियन स्टेट्र माने इंडिया राष्ट्र स्टेट्र अर्थ ये किए ना राष्ट्र देश इंडिया देशर हेड होती किए ना इंडिया प्रेसीडेंट एंड से कौन ना फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया ता सहित सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस मुझे सारी इंडिया प्रथम सिटीजन सहित आर्म्ड फोर्सेस से होती सुप्रीम कमांडर देन ता सहित से होती इंडियन स्टेट्र भारत जो आम राष्ट्र अच्छी तार कौन ना हेड वेरी गुड ए जो मैंने दौरान आंसर से आंसर ठीक अच्छे जो मैंने भी आंसर दे कि राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश लखनऊ कन्स्टिट्युएन्सी बिलंगस कर समस्त आंसर ठीक अच्छे वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन को जी क्वेश्चन नंबर फोर देख आंसर करने ट्राए कर इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्वेश्चन कौन बाय व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सिक्किम बिकम ए न्यू स्टेट इन द इंडियन यूनियन क्वेश्चन कौन कि कौ संविधान संशोधन रे सिक्किमटा को इंडिया गोटे नुआ स्टेट्र मान्यता दिया बाय व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सिक्किम बिकम ए न्यू स्टेट इन द इंडियन यूनियन आंसर करो 32nd Constitution Amendment Act 1974, 35 Constitution Amendment Act 1975, 36 Constitution Amendment Act 1975, 37 Constitution Amendment Act 1978. कोड आप करेक्ट आंसर ठीक अच्छे तो करेक्ट आंसर कौन हम ना जो मैंने भी यार आंसर दौरान कौटा ना ऑप्शन सी जो मैंने भी ऑप्शन दौरान सी मैंने 36th Constitution Amendment Act के भी इतला ना 1975 1975 प्राइम मिनिस्टर किए थे प्राइम मिनिस्टर किए थे 1975 रे ना इंदिरा गांधी ठीक अच्छे किए थे इंदिरा गांधी 1975 को टाइम थिला ना इमरजेंसी रो टाइम थिला नेशनल इमरजेंसी लगी थिला थर्ड टाइम पे और लास्ट टाइम पे हम इंडिया रे ठीक अच्छे 1975 रो 1977 पर्यंत तो तार जस्ट पूर्व इमरजेन्सी लगभग जस्ट पूर्व कौन कर 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर 1975 से सिक्किम को कौन कर इंडिया यूनियन रौन कर गोटे न्यू स्टेट्र मान्यता दिया ठीक अच्छे न्यू स्टेट्र मान्यता दिया क्लीयर कि देखिए नेक्स्ट स्लाइड यार कौन अच्छे जो मैंने भी आंसर देते सी तो समस्त आंसर कौन अच्छे करेक्ट अच्छे देख करेक्ट आंसर है 36th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1975 नोट कौन कि सिक्किम बिकम ए स्टेट ऑफ इंडिया वाया द 36th Amendment Act 1975 on 26th April 1975 the Sikkim State Day is observed तो कौन ना सिक्किम डे केबे पालन करा होची जेमते हम जान छनी मे फर्स्ट को गुजरात तार डे महाराष्ट्र तार डे भाबर पालन करचोंदी तो अप्रैल फर्स्ट को हम उत्कल डे उत्कल दिवस भाबर पालन करचोंदी सेमिति सिक्किम सिक्किम डे केबे पालन करची ना ताको 16th मे रे ऑब्जर्व करची काहे कि ना जदी 26th अप्रैल 1975 रे ये गोटे स्टेट हेथिला इंडिया रो 36th अमेंडमेंट एक्ट रे किंतु 16th मे को एति पई पालन करा होची काहे कि ना प्रथम चीफ मिनिस्टर जो हेथिले सिक्किम रो से केबे पावर को आस्तिले ना 16th मे रे आस्तिले 16th मे ऑफ एवरी ईयर बिकॉज दिस वाज द डे व्हेन द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ सिक्किम अज्यूम्ड ऑफिस जेहेतु 16th मे 1975 प्रथम चीफ मिनिस्टर होते कौटर ना सिक्किम देन से ही कंडीशन रे से ही डेटा को कौन भाव में पालन कराए सिक्किम डे भाव में पालन कराए ठीक अच्छे क्लीयर कि समस्त क्लीयर कि मतलब कहींपर कि सिक्किम फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ना कौन था सिक्किम फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ना कौन था कमेंट करके कह मत ठीक अच्छे फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ सिक्किम किए थे जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को जो मैंने भी सी दल आंसर समस्त आंसर ठीक अच्छे क्वेश्चन नंबर फाइव देख व्हाट फ्रैक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स रिटायर आफ्टर एवरी टू इयर्स इंपोर्टेंट एंड इजी क्वेश्चन आंसर करो क्वेश्चन नंबर फाइव पे आंसर करो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स रिटायर आफ्टर एवरी टू इयर्स प्रति दि वर्ष रे राज्यसभा मेंबर मैंने रिटायर करती सो क्वेश्चन कौन कि कौ फ्रैक्शन रिटायर करती टू थर्ड करती वन थर्ड करती वन सेकेंड करती वन सिक्स करती आंसर करो तो कौन हम करेक्ट आंसर ना समय जानते कि राज्यसभा हूँ गोटे कौ प्रकार हाउस ना राज्यसभा हूँ गोटे परमानेंट हाउस ये केवे भी डिजल्व हुए नहीं तो कौन हुए केमी हुए ना एवरी सेकेंड इयर रे कौन हुए ना
वन थर्ड मेम्बर कौन करती रिटायर करती कौन करती रिटायर करती देन से वन थर्ड मेम्बर जगह नुआ मेम्बर इलेक्ट हो पलि जहाँफल कि राज्यसभा मेम्बरशिप के खाली हुए जी आम देखा लोकसभा पांच वर्ष रे समस्ते आसवे पांच वर्ष होगा समस्त टेन्यूर एट ए टाइम सरीज तो लोकसभा डिजल्व हो कितु राज्यसभा जेहतु प्रति दुई वर्ष वन थर्ड मेम्बर रिटायर नहीं जी आई वन थर्ड जगार नुआ वन थर्ड पलि आसवे तो केवे राज्यसभा मेम्बर कौन हेनी खाली हेनी देन से कंडीशन रे राज्यसभा इज ए परमानेंट हाउस ऑफ आवर पार्लियामेंट ठीक अच्छे पार्लियामेंटर कौ हाउसटा परमानेंट हाउस ना राज्यसभा केते ना वन थर्ड वन थर्ड कौन करती ना रिटायर करती एव्री सेकेंड इयर एव्री टू इयर ठीक अच्छे जो मैंने भी आंसर दल बी तो समस्त आंसर कौन अच्छी करेक्ट अच्छे तो वन थर्ड हूँ यार कौन ना करेक्ट आंसर कौन मिल आमको वन थर्ड देख नोट्रे कौन अच्छे राज्यसभा इज ए परमानेंट हाउस जोटा कि सारी राज्यसभा हूँ गोटे कौ प्रकार हाउस परमानेंट हाउस एंड इज नॉट सब्जेक्ट टू डिजोल्यूशन जेहतु परमानेंट हाउस तो डिजोल्यूशन हमारा कौन से प्रश्न उठे हाउएवर वन थर्ड मेम्बर्स केते मेम्बर्स वन थर्ड मेम्बर्स अफ राज्यसभा रिटायर आफ्टर एव्री सेकेंड इयर प्रति दि वर्ष मेम्बर रिटायर करेंगे ना वन थर्ड मेम्बर रिटायर करेंगे ठीक अच्छे क्लीयर जो मैंने भी बी दूसरे आंसर समस्त आंसर कौन अच्छे करेक्ट अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन को जी क्वेश्चन नंबर सिक्स देख कौन हो करेक्ट आंसर कह ऑन व्हिच डेट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज फाइनली साइनड बाय द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो क्वेश्चन कहती कि फॉलोइंग जो डेट गुड़ा देती ये डेट भितर कौ डेट्रे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे फाइनली सब मेम्बर गुड़ाक निजर सिग्नेचर करते मैंने कम्प्लीट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो तैयारी काम चली सी जो कम्प्लीट है तो जो मैंने करते कौ मैंने करते ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर मैंने करते मेंबर मैंने करते आम जानते प्रेजेंट जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या 1946 तो 389 मेंबर थे आफ्टर इंडिया जो इंडिपेंडेंट है डिवाइड भी होगा पाकिस्तान सहित पाकिस्तान नुआ कंट्री होगा इंडिया आमर गोटे सेपरेट कंट्री होगा तो से कंडीशन रे सी डिक्रीज होगी के 299 मेम्बर्स होगले तो ये क्वेश्चन कहूँ कि जो 299 मेम्बर थे कॉन्स्टिट्यूशन फाइनली या बेले तो भितर केते मेम्बर साइन करते कौ दिन साइन करते केते मेम्बर तो पचारे क्वेश्चन कहूँ कि कौ दिन साइन करते मेम्बर मैंने जो आम कॉन्स्टिट्यूशन फाइनली या ठीक अच्छे तो आंसर कौन हम यार आंसर कल कौन हम तो देख या भितर जो देखा 26 नवंबर 1949 कॉन्स्टिट्यूशन कौन होता ना कम्प्लीट हो जाता कौन होता कम्प्लीट हो जाता जदि आम देखा January 24, 1950 कौन होता ना लास्ट मीटिंग बसला कौन बसला लास्ट मीटिंग बसला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जदि आम देखा 26 जनवरी 1950 यही दिन कौन होता ना इम्प्लीमेंट कराई आम जोटाक रिपब्लिकन डे पालन कॉन्स्टिट्यूशन को लागू कराई देन January 24, 1949 एटा इम्पोर्टेंट डेट नुह ठीक अच्छे तो ये तीन टा जगह डेट हूँ इम्पोर्टेंट गोटे गोटे कम्प्लीट होता कॉन्स्टिट्यूशन गोटे लास्ट मीटिंग होता आउ गोटे आम कॉन्स्टिट्यूशन को लागू कराई तो मन रख जो दिन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन लास्ट मीटिंग बसला मैंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लास्ट मीटिंग बसला मैंने 24 जनवरी 1950 देन से ही दिन ही कौन कराइला ना सब मेम्बर मैंने सिग्नेचर करते कौटी ना कॉन्स्टिट्यूशन मन रख 284 मेम्बर सिग्नेचर करते 299 मेम्बर थे कि समस्त को बाध्य कराई ना जार इच्छा थी करें करते आते मेम्बर साइन करते ना 284 मेम्बर सिग्नेचर करते कॉन्स्टिट्यूशन रे ठीक अच्छे तो यार करेक्ट आंसर आमको कौन मिलला ना ऑप्शन नंबर बी मिलला देन देखा कौन हो देख करेक्ट आंसर कौन हो ना ऑप्शन बी January 24, 1950 द कॉन्स्टिट्यूशन वाज द फाइनली साइनड बाय मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 24 जनवरी 1950 एंड केम इन टू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950 आम जानते केवे लागू कराला ना 26 जनवरी 1950 कि सिग्नेचर कौ दिन करते ना जो दिन लास्ट मीटिंग बसला क्वेश्चन एमती भी आसपे कि लास्ट मीटिंग केवे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्वेश्चन एमती भी आसपे कौ डेट्रे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर मैंने कॉन्स्टिट्यूशन रे साइन करते तो दुटा जगह आंसर कौन हम ना 24 जनवरी 1950 ठीक अच्छे क्लीयर समस्त भेरी गुड जो मैंने भी दौ आंसर समस्त आंसर ठीक अच्छे नोट रख जहाँ भी एक्स्ट्रा जिनस अच्छे नोट कर PDF तुमको जस्ट क्लास सरला तुमको तुम ग्रुप मानक सेयर कर दिया जाव क्वेश्चन नंबर 7 देख आंसर कर क्वेश्चन नंबर 7 आंसर कर कौन हम
Under Article 368, the Indian Constitution provide method of amendment of different portions of the Constitution. तो देखो, question कौन कहला कि Indian Constitution रो गोटे Article अच्छे 368 केते नंबर पार्ट रे नाम कह दूँ पार्ट नंबर 20 पार्ट नंबर के 20 कोड़े नंबर पार्ट रे अमेंडमेंट ऑफ़ द कॉन्स्टिट्यूशन बा अमेंडमेंट प्रोविजन जो अच्छी कोड़े नंबर पार्ट रे ता भीतर गोटे आर्टिकल अच्छी जोटा कि 368 ये केवल गोटे ही आर्टिकल गोटे पार्ट ठीक अच्छे 368 आउ ये 368 जो आर्टिकल अच्छी एथिरे कॉन्स्टिट्यूशन को केमिति अमेंड करा हबो माने केमिति चेंज करा हबो केमिति नुवा जिंस रखा हबो किन कि केमिति कॉन्स्टिट्यूशन रु किछि आर्टिकल को रिड्यूस करा हबो ए विषय रे लिखाइ छि माने कॉन्स्टिट्यूशन को केमिति चेंज करा हबो रिफॉर्म करा हबो अमेंड करा हबो से विषय रे लिखाइ छि आर्टिकल 368 पार्ट 20 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे तो क्वेश्चन कहू छि कि केते प्रकार मेथड अछि आर्टिकल 368 रे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करिया पई कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करिया पई किछि मेथड्स अछि तो क्वेश्चन कहू छि कि केतटा मेथड रे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे लिखाई छि आर्टिकल 368 रे कि केतटा मेथड रे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करि परिबो पार्लियामेंट ठीक अछि तो केतटा मेथड रे 1 2 3 4 आंसर करो तो करेक्ट आंसर कोन होबो तो जो माने भी आंसर दउ छथि इटे ऑप्शन नंबर सी 3 तो सेटा हम करेक्ट आंसर ठीक अच्छे तो कौन ना किसी ही पार मैंने आम कॉन्स्टिट्यूशन को कौन कहुए ना पार्टली रिजिड एंड पार्टली फ्लेक्सिबल बोली कहुए कहीं किसी प्रोविजन एमती अच्छी जोटा को आम इजिली कौन करमेंड करोविजन एमती अच्छी जोटा कि अमेंड करवा बहुत डिफिकल्ट तो से पार्टली रिजिड एंड पार्टली फ्लेक्सिबल बोली कहुए मैंने मिक्सड कॉन्स्टिट्यूशन बोली आम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कहुए तो यही कंडीशन में तीन प्रकार मेथड अच्छी गोटे जब चेंज करा पड़ो जोटा कि इजी जिनस मैंने सिंपल प्रोविजन जोड़ा अच्छी ताको जदि चेंज करिया पड़ो तो कौन ना सीटा सिंपल मेजोरीटी कर दे पारिबे केमिति हे पारिबो ना सिंपल मेजोरीटी करि पारिबो किए ना पार्लियामेंट ठीक अच्छे इटि केवल सिंपल मेजोरीटी दरकार किए करिबो ना पार्लियामेंट दरकार आउ किछि प्रोविजन अछि जोड़ा पई कौन दरकार ना स्पेशल प्रोविजन स्पेशल मेजोरीटी दरकार किए करिबो ना पार्लियामेंट करिबो ए दुईटा छोड़ा थर्ड मेथड जोड़ा अच्छी सेटा कौन ना स्पेशल प्रोविजन तो दरकार मैं स्पेशल मेजोरीटी तो दरकार देन ता सहित स्पेशल मेजोरीटी पार्लियामेंट रे पास हेला आमर इंडिया रे जते स्टेट अच्छा से स्टेट भितर अधा स्टेट रे मैं हाफ ऑफ द स्टेट रेटिफिकेशन दरकार ठीक अच्छे तो केतटा मेथड होगा देख गोटे मेथड कौच कि केवल सिंपल मेजोरीटी रे पार्लियामेंट चेंज कर पारिबो कॉन्स्टिट्यूशन को फर्स्ट मेथड सेकंड मेथड कौच कि स्पेशल मेजोरीटी रे पार्लियामेंट चेंज कर पारिबो थर्ड मेथड कौच स्पेशल मेजोरीटी तो दरकार पार्लियामेंट रे स्पेशल मेजोरीटी रे पार्लियामेंट रे बिल पास हेला देन इंडिया रे जत्ते स्टेट अच्छा ता भितर अधा स्टेट रो लोक अधा स्टेट रो विधानसभा रे मध्ये कोन हेबाक पड़ो ना से बिल टा पास हेबाक पड़ो तो जदि हम देखिबा जम्मू काश्मीर रिओर्गनाइजेशन बिल जत्ते बेला आसीला जम्मू काश्मीर को कौन ना स्टेट रु यूटी को कन्वर्ट करके जम्मू काश्मीर को गोटे यूनियन टेरिटोरी और लद्दाख को गोटे यूनियन टेरिटोरी कराव तो यहाँ कौन थी डिफिकल्ट प्रोविजन थी कॉन्स्टिट्यूशन रोड गोटे डिफिकल्ट प्रोविजन भितर आसूला या चेंज करापाई को मेथड को निला ना थर्ड नंबर मेथड को निला मैंने लोकसभा राज्यसभा इंडियन पार्लियामेंट रे स्पेशल मेजोरीटी तो पास कराला देन ता सहित कौन कराइला ना अधा राज्य मानकर कौन ना विधानसभा पास कराइला ठीक अच्छे तो मन रख ये जो प्रोविजन केतटा मान जिनस रहा केतटा मेथड रहा तीन टा गोटे सिंपल मेजोरीटी पार्लियामेंट कर पार गोटे स्पेशल मेजोरीटी पार्लियामेंट कर पार गोटे स्पेशल मेजोरीटी सहित हाफ ऑफ द स्टेट रेटिफिकेशन रे कौन हो पार पार्लियामेंट कर पार तो मन रख तीन टा मेथड विषय में लिखाई आर्टिकल 368 रे क्लियर कि समस्त जो मैंने भी आंसर दूसरे ऑप्शन सी तो समस्त आंसर ठीक अच्छे तो देख आर्टिकल 368 प्रोवाइड्स फॉर थ्री टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट दैट इज बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड द स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट अलोंग विद द रेटिफिकेशन ऑफ द स्टेट ऑफ लेजिस्लेचर बाय सिंपल मेजोरिटी ठीक अच्छे तो मन रख तीनटा मेथड रे केतटा मेथड रे तीनटा मेथड रे आर्टिकल 368 जोड़ा कि अमेंडमेंट कर पारिबो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा क्वेश्चन नंबर 8 तक आंसर करो To enforce the fundamental right, which among the following courts has have authority to issue writs? तो आम जानते फंडामेंटल राइट रे आमर लास्ट आम के फंडामेंटल राइट अच्छे ना सिक्स फंडामेंटल राइट भितर जोटा कि लास्ट फंडामेंटल राइट जोटा कि आम कौन कौन ना कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी संवैधानिक प्रतिकार अधिकार ता भितर
ଇଣ୍ଡିଆର ସିଟିଜେନ୍ ମାନଙ୍କୁ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାର ରିଡ୍ ଦିଆହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ହେଭିୟର୍ ସ୍କର୍ପସ୍, ମାଣ୍ଡାମସ୍, ପ୍ରୋହିବିସନ୍, ସେଟ୍ୟୁରାରୀ, କୋ ୱାରେଣ୍ଟୋ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚଟା ରିଟ୍ ଅଛି, ଏ ରିଟ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ କିଏ ଇସ୍ୟୁ କରିପାରିବେ? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହୁଛି କି କେଉଁ କୋର୍ଟ, ମାନେ ଏଇ ଫଲୋଇଂ ଯେଉଁ ତିନିଟା କୋର୍ଟ ଦିଆହେଇଛି, ଗୋଟେ ସୁପ୍ରିମ୍ କୋର୍ଟ ଅଛି, ଗୋଟେ ହାଇକୋର୍ଟ ଅଛି, ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୋର୍ଟ ଅଛି, ବା ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଲୋକାଲ୍ କୋର୍ଟ କହୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ବା ସବୋର୍ଡିନେଟ୍ କୋର୍ଟ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ କୋର୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଭିତରୁ କାହା ପାଖରେ ପାୱାର ଅଛି ଯିଏକି ରିଟ୍କୁ ଇସ୍ୟୁ କରିପାରିବ, ମାନେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ରାଇଟ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଲ ଅଛି ବା ରିଟ୍ ଅଛି ତାକୁ କିଏ ଇସ୍ୟୁ କରିପାରିବ? ତ ସୁପ୍ରିମ୍ କୋର୍ଟ କରିବ, ହାଇକୋର୍ଟ କରିବ, ନା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୋର୍ଟ କରିବ? ତ ଅପ୍ସନ୍ ଦେଖ, ଓନ୍ଲି ୱାନ୍ ହେବ, ଓନ୍ଲି ୱାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଟୁ ହେବ, ନା ଓନ୍ଲି ଟୁ ଆଣ୍ଡ ଥ୍ରୀ ହେବ, ନା ୱାନ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ ସବୁଗୁଡ଼ା ହେବ? ତ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ଏଇଠି? ତ ମନେ ରଖ, କେବଳ କ'ଣ ହେବ ନା ୱାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଟୁ ହେବ। କ'ଣ ହେବ? ୱାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଟୁ। ସୁପ୍ରିମ୍ କୋର୍ଟ ରିଟ୍କୁ ଇସ୍ୟୁ କରିପାରିବ କେତେ ନମ୍ବର ଆର୍ଟିକଲ୍ରେ? ନା ଆର୍ଟିକଲ୍ ନମ୍ବର 32। ହାଇକୋର୍ଟ ଇସ୍ୟୁ କରିପାରିବେ ଆର୍ଟିକଲ୍ ନମ୍ବର କେତେ? ନା 226। ଠିକ୍ ଅଛି, 226 ଅଣ୍ଡର ଆର୍ଟିକଲ୍ର ପାୱାରରେ ହାଇକୋର୍ଟ ରିଟ୍ ଇସ୍ୟୁ କରିବ। 32 ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନ୍ଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ର ଆର୍ଟିକଲ୍ ପାୱାରକୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ସୁପ୍ରିମ୍ କୋର୍ଟ ରିଟ୍ ଇସ୍ୟୁ କରିବ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୋର୍ଟ ପାଖରେ ପାୱାର ନାହିଁ। କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ? ନା ରିଟ୍କୁ ଇସ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ, କେବଳ ହାଇକୋର୍ଟ ପାଖରେ ଆଉ ସୁପ୍ରିମ୍ କୋର୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ତ ଅପ୍ସନ୍ କ'ଣ ହେବ? ନା ବି ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଦେଉଛୁ ଆନ୍ସର୍, ତ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ଅଛି? ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ବି ହେବ ଏଇଠି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଓନ୍ଲି ୱାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଟୁ। ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବୋଥ ସୁପ୍ରିମ୍ କୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ହାଇକୋର୍ଟ ହ୍ୟାଭ୍ ବିନ୍ ଇମ୍ପାୱାର୍ଡ ୱିଥ୍ ରିଟ୍ ଜୁଡିକ୍ସନ୍। ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି? ନା ରିଟ୍କୁ ଇସ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଜୁଡିକ୍ସନ୍ ପାୱାର ଅଛି। ଫର୍ଦର, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ବାଇ ଲ କ୍ୟାନ୍ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ପାୱାର ଟୁ ଇସ୍ୟୁ ରିଟ୍ ଟୁ ଏନି ଅଦର କୋର୍ଟସ୍ ଇନକ୍ଲୁଡିଂ ଲୋକାଲ କୋର୍ଟସ୍ ଫର୍ ଲୋକାଲ ଲିମିଟ୍ସ ଅଫ୍ ଜୁଡିକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ସଚ୍ କୋର୍ଟସ୍। ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ପାଖରେ ପାୱାର ଅଛି, ଯଦି ସେ ଚାହିଁବ ତ ଲୋକାଲ କୋର୍ଟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଦେଇପାରିବ? ରିଟ୍ ଜୁଡିକ୍ସନ୍ ଦେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ୍ଡିସନ୍ରେ କେବଳ ସୁପ୍ରିମ୍ କୋର୍ଟ ପାଖରେ ଆଉ କାହା ପାଖରେ? ହାଇକୋର୍ଟ ପାଖରେ ହିଁ ପାୱାର ଅଛି, ଯିଏକି କ'ଣ କରିପାରିବେ? ରିଟ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଇସ୍ୟୁ କରିପାରିବେ। କ'ଣ କରିପାରିବେ? ରିଟ୍ ଇସ୍ୟୁର ପାୱାର ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ କାହା ପାଖରେ ଅଛି? ନା ସୁପ୍ରିମ୍ କୋର୍ଟ ଆଉ ହାଇକୋର୍ଟ। ଆର୍ଟିକଲ୍ ମନେ ରଖ, 32 ସୁପ୍ରିମ୍ କୋର୍ଟ ପାଇଁ, 226 ହେଉଛି ହାଇକୋର୍ଟ ପାଇଁ। କ୍ଲିୟର କି ସମସ୍ତଙ୍କର? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯାଅ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଦେଲା ଆନ୍ସର୍, ସମସ୍ତଙ୍କ ଆନ୍ସର୍ ଠିକ୍ ଅଛି, ଭେରି ଗୁଡ୍। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 9 ପାଇଁ ଆନ୍ସର୍ କର, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଆର୍ ଦ କଣ୍ଡିସନ୍ସ ଫର୍ ଏକ୍ୱାରିଂ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସିଟିଜେନ୍ସିପ୍। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହୁଛି କି ୟା ଭିତରୁ କେଉଁ କଣ୍ଡିସନ୍ରେ ଜଣେ ପର୍ସନ୍କୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସିଟିଜେନ୍ସିପ୍ ମିଳିପାରିବ? ଦେଖିଲ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ଅଛି ଡୋମିସାଇଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିସେଣ୍ଟ, ଡୋମିସାଇଲ୍ ଡିସେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍, ଡୋମିସାଇଲ୍ ଡିସେଣ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ହୋଲ୍ଡିଂ ପ୍ରପର୍ଟି ନନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଏବୋଭ୍। ତ ଦେଖିଲ କ'ଣ ହେବ ଏହାର ଆନ୍ସର୍, କ'ଣ ହେବ ଦେଖ ଯାଅ। ତ ଡୋମିସାଇଲ୍ ମାନେ ଯିଏକି ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ଆଉ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ସେ ଜାଗାରେ ହିଁ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଡିସେଣ୍ଟ ମାନେ ସିଏ ଜନ୍ମ ତ ହେଇନି ଆମ ଦେଶରେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବଂଶର ମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ କିମ୍ବା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ କି ଇଣ୍ଡିଆରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ଯଦି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ତ କ'ଣ ନା ସିଏ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଜନ୍ମ ବି ହେଇନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଡିସେଣ୍ଟ ବି ଇଣ୍ଡିଆରେ ନଥିଲେ, ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ କିମ୍ବା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ନଥିଲେ, ତଥାପି ସେ ଇଣ୍ଡିଆର ସିଟିଜେନ୍ସିପ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ରେ ନେଇପାରିବେ। ଡୋମିସାଇଲ୍ ବାର୍ଥରେ ନେଇପାରିବେ, ଡିସେଣ୍ଟଟା ଯଦି ତାଙ୍କର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଆଉ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ତ ସେଇ କଣ୍ଡିସନ୍ରେ ନେଇପାରିବେ। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ଟା ଯଦି ଡୋମିସାଇଲ୍ ନ ହୋଇଥିବେ କିମ୍ବା ଡିସେଣ୍ଟ ବି ତାଙ୍କର ନଥିବ, ଦେନ୍ ସେଇ କଣ୍ଡିସନ୍ରେ ସେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ରେ ନେଇପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଠି କ'ଣ ଅଛି ନା ହୋଲ୍ଡିଂ ପ୍ରପର୍ଟି। ତ ମନେ ରଖ, ହୋଲ୍ଡିଂ ପ୍ରପର୍ଟି ତ ହେବନି, କାହିଁକିନା ପ୍ରପର୍ଟିକୁ ହୋଲ୍ଡିଂ କରିକି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରିକୁ ଆମେ ଯିବା, ସେଇଠି କିଛି ପ୍ରପର୍ଟି ହୋଲ୍ଡ କରିବା, ଦେନ୍ ଆମେ ସିଟିଜେନ୍ସିପ୍ ମାଗିବା, ତ ସେଇ କଣ୍ଡିସନ୍ରେ ସିଟିଜେନ୍ସିପ୍ ଦିଆ ହେବନି। ତ ୟାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ଦେଖ ନା, ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି କେତେ ପ୍ରକାର କଣ୍ଡିସନ୍ରେ, ଏଇ ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷଟା ରହିଲା ଆମର ବି ରହିଲା, ତ ବି ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚଟା କଣ୍ଡିସନ୍ରେ କ'ଣ ଦିଆଯାଇପାରିବ, ସିଟିଜେନ୍ସିପ୍ ଦିଆଯାଇପାରିବ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ବାଇ ବର୍ଥ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଡୋମିସାଇଲ୍ ବି କହୁଛନ୍ତି, ବାଇ ବର୍ଥ। ଦେନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି କେଉଁଟା ନା ବାଇ ଡିସେଣ୍ଟ, ଥାର୍ଡ଼ ହେଉଛି ବାଇ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍, ଫୋର୍ଥ ହେଉଛି ବାଇ ନେଚୁରାଲାଇଜେସନ୍, ଆଉ ଫିଫ୍ଥ ହେଉଛି କେଉଁଟା ନା ଏକ୍ୱିଜିସନ୍ ଅଫ୍ ଟେରିଟୋରି। ଏଇ ପାଞ୍ଚଟା କଣ୍ଡିସନ୍ରେ ହିଁ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ନା ସିଟିଜେନ୍ସିପ୍ ଦିଆଯାଇପାରିବ। ତ ଏଇଠି ତ କେବଳ ଦୁଇଟା ଅଛି ହେବନି, ଏଇଠି କ'ଣ ନା ବେଟର ଅପ୍ସନ୍ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି କି ଡୋମିସାଇଲ୍ ବା ବର୍ଥ ହେଇଥିବ, ଡିସେଣ୍ଟ ମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ହେଇଥିବେ, କିମ୍ବା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ସେ ନେଇପାରିବ, ଆଉ ହୋଲ୍ଡିଂ ପ୍ରପର୍ଟିରେ ସେ ନେଇପାରିବନି। ତ ଏଇ କଣ୍ଡିସନ୍ରେ ଆମର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଗଲା? ଅପ୍ସନ୍ ବି, ଅପ୍ସନ୍ ବି ହେଇଗଲା ଆମର କ'ଣ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ସ୍ଲାଇଡ଼୍ରେ କ'ଣ ଅଛି। ତ ମେଥଡ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ୱାରିଂ ସିଟିଜେନ୍ସିପ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ତ କେତେଟା ମେଥଡ୍ ଅଛି ନା ପାଞ୍ଚଟା ମେଥଡ୍ ଅଛି। ଗୋଟେକୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ବାଇ ବର୍ଥ, ଜନ୍ମ ହେଲେ ତୁମକୁ ସିଏ କ'ଣ ମିଳିବ, ସିଟିଜେନ୍ସିପ୍ ମିଳିଯିବ। ଏକ୍ୱିଜିସନ୍ ଅଫ୍ ଇନକର୍ପୋରେସନ୍ ଅଫ୍ ଟେରିଟୋରି, ଦେନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କୌଣସି କଣ୍ଟ୍ରିକୁ ଆଟାକ୍ କଲା ଆଉ ସେ କଣ୍ଟ୍ରି ଇଣ୍ଡିଆ ପାଖରେ ସରେଣ୍ଡର କଲା କିମ୍ବା ହାରିଗଲା, ଦେନ୍ ସେଇ କଣ୍ଡିସନ୍ରେ ସେଇ ଯେଉଁ ଟେରିଟୋରି ଇଣ୍ଡିଆର ଟେରିଟୋରି ସହିତ ମିଶିଯିବ। ତ ଯେତିକି ଟେରିଟୋରି ଇଣ୍ଡିଆର ଟେରିଟୋରି ସହିତ ମିଶିବ, ସେଇ ଟେରିଟୋରିରେ ଯେତେ ପିପୁଲ୍ ଥିବେ ସେମାନଙ୍କର ସିଟିଜେନ୍ସିପ୍ଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇକି ଇଣ୍ଡିଆର ସିଟିଜେନ୍ସିପ୍ ହେଇଯିବ। ଦେନ୍ ସେଇ କଣ୍ଡିସନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପିପୁଲ୍ ମାନେ କ'ଣ ପାଇପାରିବେ, ଇଣ୍ଡିଆ
ଇଣ୍ଡିଆର ସିଟିଜେନ୍ସିପ୍ ପାଇପାରିବେ। ଦେନ୍ ତାପରେ କ'ଣ ଆସିଲା ନା ବାଇ ଡିସେଣ୍ଟ ଜଣେ ଯଦି ଜନ୍ମ ହେଇନି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଆଉ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ତ ସେଇ କଣ୍ଡିସନ୍ରେ ବି ବାଇ ଡିସେଣ୍ଟରେ ତାକୁ ସିଟିଜେନ୍ସିପ୍ ମିଳିଯିବ। ଜଣେ ଯଦି ଜନ୍ମ ହେଇନି କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ବି ନାହାନ୍ତି ତ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ର କଣ୍ଡିସନ୍କୁ ଫୁଲଫିଲ୍ ଯଦି କରେ ଦେନ୍ ସେଇ କଣ୍ଡିସନ୍ରେ ବି ସେ ସିଟିଜେନ୍ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା କି ବାଇ ନେଚୁରାଲାଇଜେସନ୍ ଏହାର ଯେଉଁ ଯାହା ବି ଫର୍ମାଲିଟି ଅଛି ତାକୁ ଯଦି ସେ ପୁରା କରିପାରେ ଦେନ୍ ସେଇ କଣ୍ଡିସନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ କ'ଣ ମିଳିପାରିବ ସିଟିଜେନ୍ସିପ୍ ମିଳିଯାଇପାରିବ। ତ ପାଞ୍ଚଟା କଣ୍ଡିସନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମନେ ରଖ ସିଟିଜେନ୍ସିପ୍ ଦେବା ପାଇଁ। ଇଣ୍ଡିଆର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜଣଙ୍କୁ ସିଟିଜେନ୍ସିପ୍ ଯଦି ଦେବ ତ କେଉଁ କେଉଁ ମେଥଡ଼ରେ ଦେବ, ପାଞ୍ଚଟା ମେଥଡ଼ ଦେବ, ଏଇ ପାଞ୍ଚଟା ଭିତରେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ମେଥଡ଼ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିଥିଲେ ସେ ଇଣ୍ଡିଆର ସିଟିଜେନ୍ସିପ୍ ହେଇପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 10 ଦେଖ। ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ହ୍ୱିଚ୍ ଏମଙ୍ଗ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଇଜ୍ ନଟ୍ କରେକ୍ଟଲି ମ୍ୟାଚ୍ଡ। ଦେଖ ୟା ଭିତରୁ କେଉଁଟା କରେକ୍ଟଲି ମ୍ୟାଚ୍ କରୁନି ବୋଲି ସେ କହୁଛି। କ'ଣ ପଚାରିଛି ନା ଓମେନ୍ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର, ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆର ଷ୍ଟେଟ୍ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ କି କ'ଣ ନା କିଛି ଓମେନ୍ ମଧ୍ୟ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ତ ଏଇଠି କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ତିନିଟା ଦେଇଛି ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କ ନାଁ ଆଉ ତିନିଟା ଷ୍ଟେଟ୍ର ନାଁ, ପଚାରିଛି କି କେଉଁଟା କରେକ୍ଟଲି ମ୍ୟାଚ୍ କରୁନି, ନଟ୍ କରେକ୍ଟଲି ମ୍ୟାଚ୍। ଦେଖ ସୁଚେତା କୃପାଲିନି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ସୁଚେତା କୃପାଲିନି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀ ଓଡ଼ିଶା, ଶଶିକଲା କୋକଡ଼କର ଗୋଆ। ତ ୟା ଭିତରୁ କିଏ ସେଇ ରାଜ୍ୟର ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହୋଇନାହାନ୍ତି? ତ ଦେଖିବା ଯଦି ଆମେ ସୁଚେତା କୃପାଲିନି ହେଉଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆର ଫାଷ୍ଟ ଓମେନ୍ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର, ମନେ ରଖ ସୁଚେତା କୃପାଲିନି ହେଉଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆର ଫାଷ୍ଟ ଓମେନ୍ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର। କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ହେଇଥିଲେ ନା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ହେଇଥିଲେ, ଇଏ ତ ଠିକ୍ ଅଛି। ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତ ଇଏ କେଉଁଠି ରହିଥିଲେ ନା ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଇଥିଲେ, ଇଏ ବି ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀ। ଦେନ୍ ତାପରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଶଶିକଲା କୋକଡ଼କର ତ ଇଏ ଗୋଆର ବି ହେଇଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଇଏ ବି ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଅପ୍ସନ୍ ଆମର କ'ଣ ହେଇଗଲା, ଅଲ୍ ଆର୍ କରେକ୍ଟ, ଅଲ୍ ଆର୍ କରେକ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସୁଚେତା କୃପାଲିନି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ହେଇସାରିଛନ୍ତି, ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଇସାରିଛନ୍ତି, ଶଶିକଲା କାକୁଡ଼କର ଗୋଆରେ ହେଇସାରିଛନ୍ତି, ଆନନ୍ଦୀବେନ ପଟେଲ ଗୁଜରାଟରେ ହେଇସାରିଛନ୍ତି, ବସୁନ୍ଧରା ରାଜେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ରାଜସ୍ଥାନରେ ହେଇସାରିଛନ୍ତି, ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରେ ଅଛନ୍ତି, ଜେ ଜୟଲଲିତା ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ହେଇସାରିଛନ୍ତି, ସୁଷମା ସ୍ୱରାଜ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହେଇସାରିଛନ୍ତି, ଶିଲା ଦୀକ୍ଷିତ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହେଇସାରିଛନ୍ତି। ତ ଏମିତି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତ ଲିଷ୍ଟ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତ ନେକ୍ସଟ ସ୍ଲାଇଡ଼ରେ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଗଲା ନା ଡି, ଭେରି ଗୁଡ଼, ଯେଉଁମାନେ ବି ଡି ଦେଉଛୁ ଆନ୍ସର ସମସ୍ତଙ୍କ ଆନ୍ସର ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଲିଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ତ ଦେଖ ଫିମେଲ୍ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତ ଶଶିକଲା କାକୋଡ଼କର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତ ଇଏ କେଉଁଠାରେ ଥିଲେ ନା ଆମେ ଦେଖିଲେ ଇଏ କେଉଁଠାରେ ଥିଲେ ଗୋଆର ଥିଲେ। ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀ କେଉଁଠାରେ ଥିଲେ ନା ଓଡ଼ିଶାରେ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ, ଓମେନ୍ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର। ଦେନ୍ ଉମା ଭାରତୀ କେଉଁଠି ଥିଲେ, ଉମା ଭାରତୀ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଥିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଅନୱର ତୈମୁର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଇଏ କେଉଁଠି ଥିଲେ ନା ଆସାମରେ ଥିଲେ। ରାବ୍ରି ଦେବୀ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଲାଲୁ ପ୍ରସାଦ ଯାଦବଙ୍କ ୱାଇଫ୍, ଇଏ କେଉଁଠି ଥିଲେ ନା ବିହାରରେ ଥିଲେ। ରାଜେନ୍ଦ୍ର କୌର ଭଟ୍ଟଲ ଇଏ କେଉଁଠି ଥିଲେ ନା ପଞ୍ଜାବରେ ଥିଲେ। ଆନନ୍ଦୀବେନ ପଟେଲ କେଉଁଠି ଥିଲେ ନା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ପରେ ଇଏ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହୋଇଥିଲେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୁଜରାଟର ମାୟାବତୀ, ଠିକ୍ ଅଛି। ବହୁଜନ ସମାଜ ପାର୍ଟିର ଯିଏ ଚିଫ୍ ଅଛନ୍ତି ମାୟାବତୀ, ଇଏ କେଉଁଠି ରହିଥିଲେ ନା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ହୋଇଥିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ବସୁନ୍ଧରା ରାଜେ ମୁଁ କହିଲି ଇଏ କେଉଁଠି ରହିଥିଲେ ନା ଅଶୋକ ଗେହଲଟ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଇଏ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ କେଉଁଠି ନା ରାଜସ୍ଥାନର, ଠିକ୍ ଅଛି। ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି କେଉଁଠିର ନା ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲର। ଜୟଲଲିତା କେଉଁଠି ନା ତାମିଲନାଡ଼ୁ। ମେହବୁବା ମୁଫ୍ତି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତ ମେହବୁବା ମୁଫ୍ତି କେଉଁଠି ନା ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ରିଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଆକ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ କିଏ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ ନା ମେହବୁବା ମୁଫ୍ତି ଥିଲେ କେଉଁଠିର ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର। ସୁଚେତା କୃପାଲିନି ଆମେ ଦେଖିଲେ କେଉଁଠି ନା ୟୁପି। ଦେନ୍ ଭି ଏନ୍ ଜାନକୀ ଇଏ କେଉଁଠି ଥିଲେ ନା ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ଥିଲେ। ଦେନ୍ ସୁଷମା ସ୍ୱରାଜ ଯାହାର କି ଡେଥ୍ ହେଲା 2019 ଯିଏକି ଫରେନ୍ ଆଫେୟାର ମିନିଷ୍ଟର ବି ଥିଲେ ମୋଦିଙ୍କ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ, ଇଏ ବି ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ କେଉଁଠି ନା ଦିଲ୍ଲୀର। ଦେନ୍ ଶିଲା ଦୀକ୍ଷିତ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ଥିଲେ ନା ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତ ଏମାନେ କ'ଣ ହେଇସାରିଛନ୍ତି, କେତେ ଜଣ ଏମାନେ ନା ଟୋଟାଲ 16 16 ଜଣ କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି ନା ଓମେନ୍ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହେଇସାରିଛନ୍ତି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆରେ। କ୍ଲିଅର କି ସମସ୍ତଙ୍କର? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଦେଖ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବରଟା ଟିକେ ଭୁଲ ଅଛି ବୋଧେ, ଇଏ ହେଉଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 11, ଠିକ୍ ଅଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 11 ଆନ୍ସର କର, ହୁ କଲଡ୍ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଏଜ୍ ଫେଡେରାଲ ଫାୟାରମ୍ୟାନ୍। ତ କିଏ କହିଥିଲେ କି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ରହନ୍ତି, ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ରହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଫେଡେରାଲ ଫାୟାରମ୍ୟାନ୍ ବୋଲି କିଏ କହିଥିଲେ? କେ ଟି ଶାହା କହିଥିଲେ, ବି ଆର୍ ଆମ୍ବେଦକର କହିଥିଲେ, ସି ରାଜଗୋପାଳଚାରୀ କହିଥିଲେ, ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ କହିଥିଲେ? ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କିଏ କହିଥିଲେ କି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଗୁଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫେଡେରାଲ ଫାୟାରମ୍ୟାନ୍, ଷ୍ଟେଟ୍ର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫେଡେରାଲ ଫାୟାରମ୍ୟାନ୍ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ଗଭର୍ଣ୍ଣର? ତ ମନେ ରଖ ଏ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କାହାର ଥିଲା ନା ଏଇ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଥିଲା ସି ରାଜଗୋପାଳଚାରୀ,
चक्रवर्ती राजगोपालाचारी फास्ट एंड लास्ट भाइस रॉय ऑफ इंडिया इंडियन भाइस रॉय बोली आम जहाँ को जानते चक्रवर्ती राजगोपालाचारी तो ये ही कही कि फेडराल फायरमैन क्या ना गवर्नर मानक जमी फायरमैन को कते डाक जाए इमरजेन्सी डाक जाए सेमती गवर्नर काम केवल इमरजेन्सी नॉर्मल कंडीशन रे तांकर कौनसी काम न थाए तो देखिबा आंसर हो गला सी देख करेक्ट आंसर हो गला सी सी राजगोपालाचारी कौन है सी राजगोपालाचारी सी राजगोपालाचारी जहाँ को आम राजाजी बोली भी जानते सर्ट नेम राजाजी सेड दैट गवर्नर इज लाइक ए फेडरल फायरमैन लाइक फायरमैन दे सुड ओनली बी कॉल्ड अपन इन केस ऑफ इमरजेंसी गवर्नर्स ऑफिस शुड नॉट बी यूज्ड फॉर पार्टी पॉलिटिक्स तो कौन सी पार्टी पॉलिटिक्स पे गवर्नर काम करते गवर्नर सेमती कौन सी विशेष पावर ना केवल पावरफुल केत जितेबाद इमरजेन्सी हुए इमरजेन्सी सिचुएसन आसे जमी नि लगे फायरमैन को डाक जाए तो सेमती कौन सी इमरजेन्सी सिचुएसन हिं गवर्नर को डाक जाए से सी राजगोपालाचारी स्टेटमेंट देते कि गवर्नर मैंने होती गोटे गोटे फेडराल फायरमैन ठीक अच्छे ऑप्शन सी जो मैंने आंसर दल समस्त आंसर कौन अच्छी करेक्ट अच्छे क्वेश्चन नंबर 12 देख क्वेश्चन नंबर 12 देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हेडेड द इंडियन सोसाइटी ऑफ लेबर इकोनॉमी ISLE फाउंडेड इन 1957 तो 1957 रे गोटे लेबर यूनियन तैयारी होता 1957 गोटे लेबर यूनियन तैयारी होता जोटा को आम ISLE बोली कौन इंडियन सोसाइटी ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स तो क्वेश्चन कौन कि इंडिया रो फॉलोइंग को प्रेसिडेंट ठीक अच्छे इंडिया को प्रेसिडेंट माने याकु तैयारी करते व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हेडेड माने यार हेड भी थिले ठीक अच्छे याकु तैयारी करते यार हेड भी थिले इंडिया को प्रेसिडेंट 1957 रो कथा है तो 1957 रे तो आम जानते किए प्रेसिडेंट ना राजेन्द्र प्रसाद थिले तो क्वेश्चन एमती कौच कि यांको भितर को प्रेसिडेंट जनक इंडिया रो जी कि कौन ISLE रो हेड थिले आउ से कौन होते ना इंडिया रो कौन होते ना प्रेसिडेंट भी होते तो किए सी एवं फकरुद्दीन अली अहमद वीवी गिरी जाकिर हुसैन बीडी जयंती आंसर कर यांको भितर किए ISLE रो हेड थिले बा गोटे लेबर यूनियन रो हेड थिले तो मन रख वीवी गिरी किए वीवी गिरी तो वीवी गिरी इंडिया रो प्रेसिडेंट भाव में कौन करते ना प्रथम आम राजेन्द्र प्रसाद राजेन्द्र प्रसाद का पर आम सेकेंड प्रेसिडेंट भाव में सर्वपल्ली राधाकृष्णन देन राधाकृष्णन का पर आम जानते किए आम जाकिर हुसैन का डेथ पर किए हेले ना वीवी गिरी ना चार नंबर राष्ट्रपति होती किए ना वीवी गिरी आउ वीवी गिरी ही पूर्व कौन थे ना ये लेबर यूनियन ISLE कौन थे ना हेड थे ठीक अच्छे क्लीयर कि सहित वीवी गिरी कौन ना वीवी गिरी कौन ना जी कि कौन ना इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भाव में कौन होते ना विन हो ठीक अच्छे सहित सबुठ कम भोट्रे जीति प्रेसिडेंट मध्य होती किए ना वीवी गिरी 51% समथिंग भोट पाई कौन करते विन होते जहाँ प्रथम थरपाई आ लास्ट थरपाई आज पर्यटन सेकेंड राउंड काउंटिंग कराइला प्रेसिडेंट इलेक्शन सी मध्य किए ना बराह भेंकटगिरी वीवी गिरी बोली आम कौन ठीक अच्छे जावा नेक्स्ट क्वेश्चन को आंसर हो गला बी वेरी गुड देख करेक्ट आंसर आमको मिलला कि वीवी गिरी ऑप्शन बी इंडियन सोसाइटी ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स वाज फाउंडेड इन 1957 बाय ए डिस्टिंग्विश्ड ग्रुप ऑफ एकेडमिशियंस एंड पब्लिक मीन्स ऑफ एंगेज्ड इन प्रमोटिंग द स्टडी ऑफ लेबर एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर और इंडस्ट्रियल रिलेशन भितर को प्रमोट करने द ग्रुप वाज हेडेड बाय द एक्स प्रेसिडेंट ऑफ श्री वीवी गिरी ठीक अच्छे कंप्राइज्ड ऑफ सम ऑफ द बिगेस्ट नेम इन एकेडमिया ठीक अच्छे ये से कौन करते ना फॉरेन रु पाठ पढ़ी आसते देन से समय आपको कौन कराइला ना ए लेबर यूनियन हेड कराइला देन तापर ये आगे जाकि कौन है ना इंडिया फोर्थ प्रेसिडेंट भाव में काम कर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा क्वेश्चन नंबर 13 देख हु एमंग द फॉलोइंग हेड वॉइस फॉर ए डीम्ड कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बेस्ड ऑन एडल्ट फ्रेंचाइज तो किए डिमांड करते कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तैयारी होता तो या भितर किए कही कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो मेंबर मैंने आसवे से कमी आसवा दरकार ना एडल्ट फ्रेंचाइज आम जानते एडल्ट फ्रेंचाइज को कौन कह जाए ना सार्वजनिक सबालक भोट प्रथा जिते बड़े 18 वर्ष कि अधिक बयस लोक मैंने भोट दे कि जन को चूज करके नौकर जमीक आम भोट दौरान केते बेले दौरान 18 वर्ष कि अधिक हेल्ले देन ये कंडीशन या कौन कहना एडल्ट फ्रेंचाइज कह तो जितेबाला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या समझ जानते कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर मैंने डायरेक्ट जाइए ना इनडायरेक्ट जाइए ना इनडायरेक्ट जाइए
तो ताकु डायरेक्ट करने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर मानक डायरेक्ट इलेक्शन रे नेबा पाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर मानक एडल्ट फ्रेंचाइज रे नेबा पाई किए डिमांड करते किए स्वर उत्तोलन करते के कामराज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सरदार पटेल सी राजगोपालाचारी आंसर करो आंसर करो किए कही कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर मैंने एडल्ट फ्रेंचाइज प्रोसेस रे जीवा दरकार मैंने डायरेक्ट इलेक्शन रे विन होगी जीवा दरकार तो मन रख यार करेक्ट आंसर कौन हम ना सी राजगोपालाचारी सी कही कि गवर्नर मैंने होती फेडराल फायरमैन सी ही कही कि कौन ना एडल्ट फ्रेंचाइज प्रोसेस रे ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर मैंने विन होगी जीवा दरकार ठीक अच्छे तो के कामराज भी नुह के कामराज फेमस होती कौन पर ना जी तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर थे सहित सी कौन करते ना प्रथम थर पर इंडिया मिड डे मिल ठीक अच्छे जो मिड डे मिल आम अच्छी मध्यान भोजन ताकू लंच करते के कामराज डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद को तो आम समस्त जानते फास्ट प्रेसीडेंट ऑफ इंडिया अजात शत्रु ऑफ इंडिया बोली कहुए बाबूजी बोली कहुए ठीक अच्छे सर्दार पटेल को बिस्मार्क ऑफ इंडिया देन आयरन मैन ऑफ इंडिया बोली कहुए आम समझ जानते देन सी राजगोपालाचारी कौन कही ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर मैंने एडल्ट फ्रेंचाइज प्रोसेस रे विन होगी जीवा दरकार ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा जो मैंने भी आंसर दे ऑप्शन सी तो समस्त आंसर कौन अच्छे करेक्ट अच्छे देख सॉरी ऑप्शन जो मैंने दल डी तो समस्त आंसर कौन अच्छी ठीक अच्छे राजगोपालाचारी तो देख कौन कौन ऑन 15 November 1939 सी राजगोपालाचारी वॉइस द डिमांड फॉर ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बेस्ड ऑन एडल्ट फ्रेंचाइज मैंने 1939 15 November रे स्वर उत्तोलन करते किए ना सी राजगोपालाचारी कही कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंडिया रे तैयारी हे तो सीटा को बेस रे हवा दरकार एडल्ट फ्रेंचाइज मैंने डायरेक्ट इलेक्शन रे हवा दरकार ठीक अच्छे डायरेक्ट इलेक्शन रे हवा दरकार ठीक अच्छे क्लियर कि समस्त नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा देख क्वेश्चन नंबर 14 देख भाया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स बर्मा गॉट सेपरेट फ्रॉम इंडिया तो बर्मा जितेबले इंडिया टू सेपरेट हला तो क्वेश्चन कहूँ कि फॉलोइंग को एक्ट रे जमी आम देखिए 36th अमेंडमेंट एक्ट 1975 रे सिक्किम को कौन कराला ना गोटे सेपरेट इंडिपेंडेंट न्यू स्टेट तैयारी कराला तो ये से कौन कि या भितर कौ एक्ट रे आम जानते इंडिया गवर्नमेंट फॉर्मेशन होगा पूर्व कौन होता ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप कौन होता ना ब्रिटिश पार्लियामेंट रु एक्ट पास होगी आसाला तो सही कंडीशन रे क्वेश्चन कौन कि या भितर कौ एक्ट रे बर्माटा इंडिया टू सेपरेट होता तो देख कौन हम इंडियन काउंसिल एक्ट 1961 तो काउंसिल एक्ट 1961 केबे भी आसीबोनि काहे कि नाम जानते कि 61 आड़ को इंडिया कौन हो सारी इंडिपेंडेंट हो सारी इंडिपेंडेंट हो सारी तो सही कंडीशन रे ये कौन हो ना रंग हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 तो क्वेश्चन कहला कि बर्मा केबे इंडिया टू सेपरेट है तो मन रख गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 माने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जहाँ बैकबोन एंड स्केलेटन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोली कहुए कहीं एक्ट रे एमती किसी बहुत गुड़े प्रोविजन थी जोड़ा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भितर ताकू नहीं रखाई तो यही कंडीशन रे बर्मा को सेपरेट जदि कराला इंडिया पाकर देन कौ एक्ट रे हेला ये ना GIA एक्ट जोड़ा को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कौन जोड़ा कि 1935 आसाला ठीक अच्छे क्लीयर कि समस्ते जब आम देखा तो देख करेक्ट आंसर है डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बर्मा गॉट सेपरेट फ्रॉम इंडिया अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रे अदर प्रोविजन्स अंडर द एक्ट इंक्लूडिंग द कार्विंग आउट ऑफ सिंध फ्रॉम बॉम्बे प्रेसिडेंसी सिंध मध्य का पाखर अलग है बॉम्बे प्रेसिडेंसी ऑफ बिहार का पाखर अलग है ओडिशा पाखर बिहार ओडिशा पाखर भी अलग होता सिंध बॉम्बे अलग होता देन से कंडीशन रे इंडिया पाखर बर्मा कौन होता सेपरेट होता कौ एक्ट रे ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा जो मैंने भी देले डी समस्त आंसर ठीक अच्छे क्वेश्चन नंबर 15 देख हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन या पूर्व मुझे कह भी सारी तो ड्राफ्टिंग कमिटी चेयरमैन किए थे तो ये कौन सी डिस्कसन दरकार ही ना समस्त यार करेक्ट आंसर करेक्ट आंसर कौन हम ना डॉक्टर बी आर आंबेडकर बी आर आंबेडकर जितेबाला कौन होता है ना 29th August 1947 कौन तैयारी कराला
ना ड्राफ्टिंग कमिटी तैयारी कराला तो से कंडीशन रे से समय रे तार चेयरमैन किए हेले ना बी आर आंबेदकर को मिसे कि टोटल केत जन मेंबर थिले से भितरे ना सात जन मेंबर थिले। ठीक अछि जे हम देखबा जी बी माबलेंकर यो जे लोकसभा रो फर्स्ट स्पीकर गणेश वासुदेव माबलेंकर फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ता से द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो फर्स्ट चेयरमैन होचुनी के ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर के मुंशी ये होंगे ड्राफ्टिंग कमिटी रो सात जन मेंबर भितर जणे मेंबर कन्यालाल मानिकलाल मुंशी देन बी आर आंबेडकर तो ये होंगे कौन ना ड्राफ्टिंग कमिटी रो चेयरमैन कौन थिले ड्राफ्टिंग कमिटी रो चेयरमैन। तो आंसर कौन हम ऑप्शन नंबर डी जो मैंने भी देल डी तो समस्त आंसर कौन अच्छी करेक्ट अच्छे। देख कौन दी द मोस्ट इंपोर्टेंट कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वाज द ड्राफ्टिंग कमिटी सेट अप ऑन अगस्त 29, 1947। इट वाज इंस्टिट्यूट विद द टास्क ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन रो ड्राफ्ट केमिति हो चिट्ठा केमिति हो को जिनस पर को जिनस रहिबो ताकु तयारी करिया पय ड्राफ्टिंग कमिटी को तयारी कराइतला। आउ ए ड्राफ्टिंग कमिटी रो जे चेयरमैन थिले डॉक्टर बी आर आंबेडकर वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी। ठीक अच्छे क्लीयर कि समस्त अच्छा ड्राफ्टिंग कमिटर चेयरमैन थे बी आर आंबेदकर कि ड्राफ्टा ड्राफ्टा कमेंट कर ड्राफ्ट को तैयारी किए करते इंडियन कन्स्टिट्यूशन जो ड्राफ्टिंग कमिटी थी चेयरमैन तो थे बी आर आंबेदकर कि ड्राफ्टा तैयारी किए करते। नेक्स्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 16 देख सेवरल फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैव बीन बोरोड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट मैच इन दिस कंटेक्स्ट। तो देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन कह जाए कहीं इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन रो बहुत गुडे जिनस डिफरेंट टाइप रो डिफरेंट कंट्री रो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करके आनाई माने बी आर आंबेडकर कौन करते ना बी आर आंबेडकर सहित बहुत गुडे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली रो मेंबर माने डिफरेंट डिफरेंट कंट्री मानकर कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ी फॉलो करते भितर जो वैल्युएबल आर्टिकल वैल्युएबल प्रोविजन वैल्युएबल पार्ट वैल्युएबल शेड्यूल भल लगी इंडियन इंडिया पे जोड़ा कि एप्रोप्रिएट हे बोली भाभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आणिकी कौन करते एड करते। तो क्वेश्चन कौन कि या भितर कौटा करेक्टली मैच करूनी मैंने क्या पाखर कौटा आणाही से जिनसा देख कौटा भूल दे पचार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 फेडरल स्कीम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्करेंट लिस्ट यूएस कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो देख लो करेक्ट आंसर कौन हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट रू फेडरल स्कीम आनाई नो डाउट। ठीक अच्छे जो फेडरल स्कीमटा मैंने पावर टा डिस्ट्रीब्यूशन हम क्या क्या भितर ना सेंट्रल गवर्नमेंट आ स्टेट गवर्नमेंट भितर ए प्रोविजनटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 तो ये ठीक अच्छे। जब आम देखा ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्करेंट लिस्ट तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन रू कॉन्करेंट लिस्ट नथिला कॉन्करेंट लिस्टा कौ कॉन्स्टिट्यूशन रु आसीला ना ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन कौ कॉन्स्टिट्यूशन रु ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन रु मन रख देन यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन रु फंडामेंटल राइट जुडिशियल रिव्यू प्रीएम्बल ये ठीक अच्छे जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन रु प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ ये भी ठीक अच्छे। जब आम देखा भूल कौटा अच्छे ना ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन रु आम कौन आनाई ना पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आनाई प्रेसिडेंट को पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आनाई देन आम पार्लियामेंटरी प्रोसीजर आनाई बाई कैमेरालिज्म आनाई डिफरेंट जिनस आनाई ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन रु देन आम कौन आ सिंगल सिटीजनशिप आनाई कि कॉन्करेंट लिस्ट आनाई ना ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन रु एटा कौट आसाला ना ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन रु आसाला। ठीक अच्छे तो ये सी आमको पचार कौटा नॉट करेक्ट मैच्ड नॉट करेक्ट मैच्ड तो नॉट करेक्ट मैच्ड कौटा ना बी ऑप्शन बी तो ऑप्शन बी होगा ये कौन ना करेक्ट आंसर तो बी होगा करेक्ट आंसर देन ये अच्छी डिफरेंट सोर्सेस गुड़ा कौ सोर्स रु कौटा आनाई तो या पीडीएफ नाला पढ़ क्वेश्चन नंबर 17 देख व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयर रेस्पेक्टिव टाइटल्स इज नॉट करेक्ट। तो ये कौन देना कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट दे आम जानते इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तैयारी समय 22 पार्ट थी बर्तमान तातर केतटा पार्ट अच्छी या समय 22 थी बर्तमान केतटा अच्छी 25 पार्ट अच्छे। ठीक अच्छे देन से ही कंडीशन में सी कौच कि ये गोटे पटे पार्ट दे आ गोटे पटे कौ पार्टर टाइटल कौन अच्छे से तो कौटा करेक्टली मैच करूनी। ठीक अच्छे देर रेस्पेक्टिव टाइटल्स इज नॉट करेक्ट कौटा करेक्ट ना आमको बाछिक बाहर करा पड़ो। तो देख ल देन प्रथम देखिए पार्ट 12 रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स देन पार्ट 18 इमरजेंसी प्रोविजन पार्ट 20 अमेंडमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 21 टेम्पोररी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन। तो देखो करेक्ट आंसर कौन हम
तो मुझे टिके पूर्व कही गोटे क्वेश्चन आम डिस्कसन करते अमेंडमेंट मेथड से कही कि केत नंबर पार्ट्रे अच्छी ना 20 नंबर पार्ट्रे अच्छे तो ये कौन हो गला ना करेक्ट हो गला ठीक अच्छे इमरजेन्सी प्रोविजन 18 नंबर अच्छे ठीक अच्छे ये भी करेक्ट थ्री टाइप इमरजेन्सी नेशनल स्टेट आउ फाइनेंशियल ये कौट लिखाई ना 18 नंबर पार्ट्रे लिखाई ठीक अच्छे देन टेम्पोरारी ट्रांजिशनल आउ स्पेशल जो प्रोविजन अच्छी ये केत नंबर अच्छे ना 21 नंबर पार्ट्रे अच्छे ये भी ठीक अच्छे 22 नंबर पार्ट्रे आम सर्ट टाइटल लिखाई देन आउ गोटे ही रिमेनिंग रही जाऊँच जोटा कि रंग हम निश्चित भाव में कहीं अन्य कौन से ऑप्शन तो ना तो ये देखिए पार्ट 12 रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट तो यहाँ कौन हम ना भूल हम पार्ट 11 हूँ रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट जी आम देखा पार्ट 12 बा 12 नंबर पार्ट ये क्या विषय कौन ना ये आम फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट आउ स्वीट विषय कौन मैंने पार्ट 11 हूँ रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स पार्ट 12 हूँ कौन ना फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट एंड स्वीट्स पार्ट 18 हूँ इमरजेंसी प्रोविजन पार्ट 20 हूँ अमेंडमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पार्ट 21 हूँ कौन ना टेम्पोररी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन्स ठीक अच्छे तो ये कौटा करेक्टली मैच करूनी ना मैच करूनी कौटा ना पार्ट 12टा कहीं रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट हूँ पार्ट 11 आ पार्ट 12 हूँ कौटा ना फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट आउ स्वीट ठीक अच्छे जो मैंने भी आंसर देखा ऑप्शन दिए तो समस्त आंसर कौन अच्छी करेक्ट अच्छे देख करेक्ट आंसर हो गला कौन ना ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गला ऑप्शन ए पार्ट 11 जोड़ा होटा हूँ कौन ना रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट आ 12टा हूँ कौटा ना फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट आउ स्वीट मन रख पार्ट गुड़ा मन रख क्वेश्चन नंबर 18 देख व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट विच रेस्पेक्ट टू द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो प्रीएम्बल को लेकर चारिटा कौन दे स्टेटमेंट देखें जानते इंडियन प्रीएम्बल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो गोटे प्रीएम्बल अच्छे जोटा कि क्या पाखर मैंने क्या इंस्पायर होती ना यूएसए पाखर प्रथम या कौन कहला ना ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कहला किया लेकिन आसते ना जवाहरलाल नेहरू नहीं कि आसते ठीक अच्छे देन के अणाइला ना 13th डिसेम्बर या नहीं आसते किए नहीं आसते ना जवाहरलाल नेहरू नहीं कि आसते ठीक अच्छे तो क्वेश्चन कौन कि ये जो प्रीएम्बल अच्छे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो प्रीएम्बल विषय या भितर कौ स्टेटमेंटा करेक्ट नुह कौ स्टेटमेंटा या भितर करेक्ट नुह तो आंसर कर कौन दे देख प्रीएम्बल इज इनफोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ प्रीएम्बल रे जहाँ जहाँ लिखाई से गुड़िक सिटीजन को न मिले देन से कोर्ट को जापर सेकेंड कौन इट डिस्पाइट द नेचर ऑफ इंडियन स्टेट ई इंडिया स्टेट को इंडियन स्टेट रो नेचर केमी हम ताको डिफाइन करट डिफाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो ऑब्जेक्टिव कौन हम ताको कौन इट मेंशन द डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये इंडिया रो कॉन्स्टिट्यूशन को केबे अडॉप्ट कराला से विषय कौन तो चारिटा स्टेटमेंट अच्छी तो प्रीएम्बल जो मैंने पढ़ तो समझ जानव कि प्रीएम्बल भितर चारिटा कंपोनेंट अच्छी गोटे हूँ सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गोटे हूँ नेचर ऑफ द स्टेट गोटे हूँ ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आ गोटे हूँ डेट ऑफ एडॉप्शन तो सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होती द पीपल ऑफ इंडिया नेचर ऑफ द स्टेट जब हम देखा तो सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एगुड़िक सब कौन होगा नेचर होगा ऑब्जेक्टिव कौन होगा ना सोशल इकोनोमिकल एंड फाइनेंशियल जस्टिस लिबर्टी फर्टिनिटी एगुड़िक कौन होगा ना ऑब्जेक्टिव होगा डेट ऑफ एडॉप्शन के 26 नवंबर 1949 डेट ऑफ एडॉप्शन होगा तो चारिटा कंपोनेंट को लेकिन प्रीएम्बलटा तैयारी ठीक अच्छे तो जब आम देखा तो स्टेट रो नेचर को भी कौच आम देखिले कि नेचर को कौच ऑब्जेक्टिव भी कौच एडॉप्शन भी कौच देन सोर्स भी कौच किंतु इनफोर्सेबल ऑफ कोर्ट ऑफ लॉ इनफोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ एटा नो जमी फंडामेंटल राइट वायलेंट है आम कोर्ट को जापर आर्टिकल 32 और 226 रे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को जापर सेम कंडीशन रे जब प्रीएम्बल भितर जो जो जिनस सिटीजन मानक देवाई लिखाई जो भी जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी फर्टिनिटी देवाई लिखाई सेगुड़िक जब न मिले देन इंडिया जन सिटीजन कौन करना कोर्टर हेल्प नहीं पार ना तो से कौन ना ये हूँ कौन ना नॉट इनफोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ तो ये देखिए कि इनफोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ देन से कंडीशन ऑप्शन ए कौन हम ना इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो ठीक अच्छे तो करेक्ट आंसर कौन होगा ऑप्शन नंबर ए वेरी गुड जो मैंने भी आंसर दूसरे ऑप्शन ए तो समस्त आंसर कौन अच्छी करेक्ट अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन को जाओ तो देख यार कौन देखिए देखीद तो करेक्ट आंसर देख प्रीएम्बल इज इनफोर्सेबल इन लॉ यहाँ हूँ कौन ना रॉन्ग मैंने करेक्ट आंसर आमर यहाँ कहीं स्टेटमेंट हूँ रॉन्ग
नोट्स दे देखा द प्रीएम्बल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडरलाइंस फोर इनग्रीडियंट्स तो चारिटा इनग्रीडियंट्स को लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल टा दी रही मुझे कहली फास्टली इट रिवील्स द सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रथम सोर्स विषय कौन जोटा कि किए ना द पीपल ऑफ इंडिया सेकंडली इट डिस्क्राइब द नेचर ऑफ इंडियन स्टेट नेचर थर्डली इट डिफाइन्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया एंड लास्टली माने चार नंबर इट वाज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949 प्रीएम्बल इज नॉट इनफोर्सिबल इन कोर्ट ऑफ लॉ ठीक अच्छे द मीन्स दिस मीन्स दैट इज नॉट जस्टिसेबल इन नेचर से हमको देखा जस्टिसेबल इनफोर्सिबल तो से कंडीशन ये कौन हो रंग होदी रन जस्टिसेबल नॉन इनफोर्सिबल देन से कंडीशन रे ये कौन हम करेक्ट हे तो मन रहा कि चारिटा कंपोनेंट कौन कौन नेक्स्ट क्वेश्चन को जाओ क्वेश्चन नंबर 19 देख व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव तो आम जानते गवर्नमेंट तीन टा पार्ट था गोटे था लेजिस्लेटिव गोटे था एग्जीक्यूटिव गोटे था जुडिशियरी तो जी ल को इम्प्लीमेंट कर सी हूँ एग्जीक्यूटिव जी ल तैयारी कर सी हूँ लेजिस्लेटिव जी कि ल को इंटरप्रेट कर व्याख्या कर ता भितर किसी भूल अच्छे ना नहीं खोजिक बाहर करू कौन कह जुडिशियरी कह जाए तो क्वेश्चन कौन कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे जो यूनियन एग्जीक्यूटिव अच्छे एग्जीक्यूटिव पुणी टू टाइप रही पार कहीं फेडराल स्ट्रक्चर गवर्नमेंट आम इंडिया काम करुच्छे माने यूनियन रे गोटे गवर्नमेंट काम करे स्टेट रे गोटे गवर्नमेंट काम करे स्टेट गवर्नमेंट पाखे भी तीन टा पार्ट अच्छी लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव जुडिशियरी आ सेंट्रल पाखे तीन टा पार्ट अच्छी एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव आ जुडिशियरी तो से ही कंडीशन रे क्वेश्चन कौन कि यूनियन एग्जीक्यूटिव यूनियन एग्जीक्यूटिव रो किए गोटे पार्ट नुह तो ऑप्शन अच्छी प्रेसिडेंट गोटे पार्ट नुहंती ना वाइस प्रेसिडेंट गोटे पार्ट नुहंती ना अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जोटा को आम एजी कौन सी पार्ट नुहंती ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया माने सुप्रीम कोर्ट रे जी चीफ जस्टिस रहिबे सी पार्ट नुहंती तो कौन हम करेक्ट आंसर यदि आम देखा तो प्रेसिडेंट होती एग्जीक्यूटिव पार्ट कहीं ल को लागू किए कर प्रेसिडेंट ही करेंगे देन वाइस प्रेसिडेंट क्या हेल्प करने रे मैंने प्रेसिडेंट आबसेंट रही वाइस प्रेसिडेंट जब कम करते कंडीशन में वाइस प्रेसिडेंट कार पार्ट हो गले एग्जीक्यूटिव पार्ट हो गले देन जब हम देखा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया तो मन रख अटॉर्नी जनरल प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्राइम मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल एम सब कार पार्ट ना यूनियन एग्जीक्यूटिव पार्ट कार पार्ट यूनियन एग्जीक्यूटिव पार्ट देन आम देखा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जुडिशियरी पार्ट का पार्ट जुडिशियरी कहीं ये ल ठीक तैयारी ना इंटरप्रेट करम करेंगे तो से कंडीशन रे ये ना तो लेजिस्लेटिव पार्ट ना तो एग्जीक्यूटिव पार्ट ये होती कार पार्ट ना जुडिशियरी पार्ट ठीक अच्छे क्लीयर कि समस्त तो प्रेसीडेंट वाइस प्रेसीडेंट प्राइम मिनिस्टर काउनसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ऑल आर द पार्ट ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव एक्सपेक्ट क्या छाड़ किया भितर ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्लियर की जो मैंने भी आंसर दूसरी ऑप्शन डी देन समस्त आंसर कौन अच्छी ठीक अच्छे देखो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये करेक्ट आंसर है द यूनियन एग्जीक्यूटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट प्राइम मिनिस्टर वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया मन रख कतरा जिनस पांचटा जिनस प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेड होती किए ना प्राइम मिनिस्टर ता सहित एजी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एम को लेकिन किए तैयारी यूनियन एग्जीक्यूटिव तैयारी होट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डज नॉट फ्रॉम ए पार्ट ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव किंतु चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन नुहंती ना यूनियन एग्जीक्यूटिव गोटे पार्ट नुहंती वेरी गुड डी हूँ करेक्ट आंसर जो मैंने दूसल लास्ट क्वेश्चन आज क्वेश्चन नंबर 20 देख कौन रोच इन हूज नेम ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर टेकन तो इंडिया रे जदि कौन सी एग्जीक्यूटिव एक्शन निहब देन से कंडीशन रे से का ना रे निहब इन हूज नेम का ना रे सब गुड़ाक काम को एग्जीक्यूट कराव कहीं ल तो तैयारी हो ल को तो इंटरप्रेट कर सुप्रीम कोर्ट या पार्लियामेंट देन से ही कंडीशन रे क्वेश्चन कौन कि जदि गोटे ल तैयारी है जेकोसी जिनस गोटे डिसीजन जदि नि गोटे एक्शन जदि इंडिया नौची देन से ही कंडीशन रे सी एक्शन टा का ना रे निहब इन हूज नेम ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर टेकन ऑप्शन अच्छी प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यदि आम देखा प्रेसिडेंट थी समय वाइस प्रेसिडेंट कौन सी काम नहीं या को आउट कर दियो वाइस प्रेसिडेंट से पावरफुल होते प्रेसिडेंट ऑफिस नथिबे ठीक अच्छे डेथ हो जाऊ से रिजाइन कर दियंतु
किंवा ताको इम्पीचमेंट करके बाहर करा जाऊ किंवा से निज पावर जते बेले वाइस प्रेसिडेंट को देथिबे सेही कंडीशन रे ही वाइस प्रेसिडेंट पावरफुल अन्य कोनोसी कंडीशन रे नुहंती। तो सेही कंडीशन रे वाइस प्रेसिडेंट को आउट कर देला परे जदि हम देखिबा प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो ए कंडीशन रे कोन ना प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सब एक्शन पे कौन तैयारी करेंगे ना ड्राफ्ट तैयारी करेंगे माने को कामटा इंडिया हम न हम किए करेंगे ना प्राइम मिनिस्टर करेंगे आउ हेल्प करने किए रही है ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रही किंतु एम तैयारी तो करदे कि कौन करा पड़ा ना एक्जिक्यूट करवाक पड़ो लागू करवाक पड़ो आगू करने पावर प्राइम मिनिस्टर पाखे ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पाखे ना क्या पाखे अच्छे ना प्रेसिडेंट पाखे अच्छे कि मन रख प्रेसिडेंट आपको एक्जिक्यूट तो करेंगे कितु कार रिकमेंडेशन करेंगे ना प्राइम मिनिस्टर आ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिकमेंडेशन करेंगे सी एक्जिक्यूट कर पावर अच्छे निज इच्छा करें क्या रिकमेंडेशन करेंगे ना प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सब तैयारी करेंगे कि निजे एक्जिक्यूट करें क्या रिकमेंड करेंगे मैंने ना प्रेसिडेंट को रिकमेंड करेंगे आ प्रेसिडेंट ही जेकोसी एक्शन इंडिया हम ताको कौन करेंगे ना एक्जिक्यूट करेंगे। तो कौन होगा ये करेक्ट आंसर देख लो करेक्ट आंसर होगा द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जोटा कि जानते आर्टिकल नंबर के 52 देन के नंबर ये पार्ट आमर 5 नंबर पार्ट चैप्टर के एक नंबर चैप्टर। तो देख कौन दे करेक्ट आंसर है द प्रेसिडेंट नोट रे कौन अच्छे देख ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर फॉर्मली टेकन इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही इज आल्सो इम्पावर्ड टू मेक रूल्स स्पेसिफाइंग द मैनर इन विच द orders and other instruments made and execute in his name shall be authenticated। ठीक अच्छे। तो जहाँ भी इंडिया काम हम जहाँ भी अर्डर निहा जहाँ भी किसी एक्शन हम तो क्या ना हम ना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ना हम कहीं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जदि प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिकमेंडेशन करेंगे किंतु करेंगे किए ना प्रेसिडेंट ही करेंगे। ठीक अच्छे। तो से कंडीशन आंसर होगा आम कौन ना द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर्टिकल 52 पार्ट 5 एंड चैप्टर नंबर के 1 माने पार्ट 5 रो चैप्टर नंबर 1 आर्टिकल नंबर 52 रे मेंशन हो छी का विषय रे ना प्रेसिडेंट के विषय रे 53 को छी ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस आर टेकन फ्रॉम द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट माने जहां भी इंडिया रे कौन हबो ना एग्जीक्यूटिव एक्शन निया हबो का नार निया हबो ना प्रेसिडेंट को नार निया हबो प्रेसिडेंट ही करबे एटा केते नंबर आर्टिकल ना आर्टिकल नंबर 53 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक अछि क्लियर की समस्तक आई होप की समस्तक क्लास भल लागथिबो। तो जो माने वो भी क्लास भल लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो चैनल को देन वीडियो को लाइक करो और शेयर करो फ्रेंड मान सहित देन नेक्स्ट क्लास रे आउ कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन सहित अगेन आपण मान सहित देखा हो। तो से पर्यंत थैंक यू समस्त को थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।